हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। आज की वीडियो लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए होने वाली है। लिब्रन टॉपिक होगा कि आपके पर्सन वापस आएंगे, क्या आपके पर्सन आपको कॉल करेंगे, आपके पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जी है। और एक क्वेश्चन कि अगर आप सेपरेशन मोड में गए तो आखिर ऐसा क्या हुआ था, उसका रीजन क्या था। छोटे छोटे क्वेश्चन हम इसमें लेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक जनरल प्रेडिक्शन है, सबके साथ मैच नहीं भी कर सकती। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। तो चलिए लिब्रन, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लिब्रन चेक करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि आप सेपरेशन मोड में गए तो आखिर क्या उसका कारण था। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज एंजल गाइड कीजिए। एट ऑफ सॉर्ड्स, प्यार बहुत रहा, द लवर्स का कार्ड आया है। सिक्स नंबर, फीलिंग बहुत अच्छी रही। ओके, द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक आपका रिवर्स का कार्ड है। ये सिक्स ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में था, प्रॉब्लम्स यानी कि सॉर्ट आउट हो रही हैं। हमारा क्वेश्चन था कि आपके पर्सन और आपके बीच में सेपरेशन मोड क्यों आया, आप अलग क्यों हुए। सबसे पहले आपको बता दूं कि प्यार तो देखिए बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके साथ ही साथ में एक वैचारिक मतभेद भी था। दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो मैच्योर एनर्जी में है, बड़ा हो सकता है, काफी रीजन रहे, वैचारिक मतभेद रहा, टेंशन डिप्रेशन आप लोगों के बीच में रही। एक बंदा कुछ कह रहा है, दूसरा उसको कुछ समझ रहा है। एक इंसान अपनी बात से हटने को ही तैयार नहीं है, दूसरा इंसान भी नहीं हट रहा है, वो भी जिद करके बैठा है। आप लोगों के बीच में यहाँ पे मुझे जिद बहुत नजर आई। और प्यार देखिए, फीलिंग अच्छी है, आपका लवर्स का कार्ड आया है। और कुछ मैटर में मैं इस कार्ड इसको क्लियर करती हूँ कि कुछ मैटर में अलग भी हो सकता है। फिलहाल तो ये कार्ड मुझे आपके लिए लग रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये था कि आपके पर्सन जो है एक्चुअल आप लोगों का सेपरेशन क्यों हुआ। यस, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, आप लोगों के प्यार के बीच में किसी एक पर्सन ने चीटिंग करी, आप उस चीटिंग की वजह से अलग हुए। कुछ चीजें थी जो सॉल्व करने की कोशिश करी गई, पूरा एफर्ट उसमें नहीं लगाया, बस उदासीन होके बैठ गए। जैसे मैं आपको कहूं कि ये बात मान लीजिए मेरी और आपने नहीं मानी है, तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं, आप उसको भी क्लियर नहीं कर रहे हैं और प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप एक उदासीन रवैया निभाते हुए उस रिश्ते से बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे डेफिनेटली चीटिंग हुई है। लिब्रन मैं आपको साफ बता दूं कि आप जिस पर्सन के साथ में थे वो दिखाते कुछ थे, करते कुछ थे, उनके मन में कुछ था, उनके दिल में कुछ था, उनकी जवान में कुछ था और उनका व्यवहार जो था वो बहुत अलग था। तो एक पर्सन जो है इसमें से वो चीटिंग कर रहा था, सामने से चीटिंग कर रहा था। आप उस चीज को प्रूफ करोगे कि आपने ऐसा किया है, आपने धोखा दिया है, लेकिन वो पर्सन आपको धोखा दे के भी अपनी विक्ट्री, आपके पर्सन ने यहाँ पे सामने से चीटिंग करी है। चीजें सुलझ सकती थी लेकिन उनको सुलझाने की कोशिश ही नहीं की गई। आप में से एक, आपके पार्टनर आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, ये चीज मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन के साथ में थे जिसको कमिटमेंट देनी ही नहीं थी, प्यार, जिस मैंने कहा कि आपके पर्सन आपको प्यार करते थे, ये फीलिंग आपके भी हो सकती है कि आप अपने पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इस कार्ड को क्लियर करने पर ही सेवन ऑफ सॉर्ड्स आया है, यानी कि चीटिंग तो हुई है, प्यार का नाटक यहाँ पर हुआ है। तो कारण हमें मिल गया कि आप अलग के हुए, एक पर्सन ने आपको चीट किया। इस वक्त आपके पर्सन की आपको लेके क्या एनर्जी है, चेक कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, इस टाइम पे लिब्रन के पर्सन की एनर्जी उनको लेके क्या है, क्या वो लिब्रन को याद करते हैं, लिब्रन को मिस करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। जब भी हम किसी के कनेक्शन में रहते हैं तो कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई बॉन्डिंग तो हम लोगों की बनती ही है, भले ही हम किसी को किसी वजह से धोखा दे दें या चीट कर दें। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, लिब्रन के पर्सन के इस टाइम पे उनको लेके क्या एनर्जी है।
किसी को धोखा देके कोई खुश नहीं रहता है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स यानी कि रातों को वो सो भी नहीं पा रहे हैं आपसे अलग होके। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन जो है बहुत स्पीड से आगे आने की सोच रहे हैं, बट फिलहाल कमिटमेंट तो मुझे यहाँ नहीं लग रहा है, लेकिन काफी अट्रैक्शन आपके लिए फील करते हैं, आना चाहते हैं, बट सिचुएशन जो है उतनी अच्छी नहीं है। मल्टीटास्किंग करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी आपका जजमेंट का आया है। आपके पर्सन डेफिनेटली प्रेयर कर रहे हैं कि सारी चीजें सही हों। अट्रैक्शन बहुत है उन्हें आपका। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं फिजिकली उनसे बहुत अट्रैक्ट होंगे कि आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, आपके बाल बहुत सुंदर हैं, आपके हाथ बहुत सुंदर हैं, जैसे किसी न किसी चीज की तारीफ करते होंगे। उन्हें आपका बॉडी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन बोझ भी बहुत ज्यादा है। काफी सारी चीजें आपके पर्सन को मैनेज करनी पड़ रही हैं। और हाँ, मिस कर रहे हैं, काफी दुखी हैं, रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं। धोखा देके कोई भी बंदा किसी को खुद चैन से नहीं रह सकता है। जजमेंट का कार्ड है, उस ईश्वर से प्रार्थना करें। देखिए दो कार्ड एकदम से हाथ में आ गए। आपके पर्सन को आपका बॉडी अट्रैक्शन जरूरत से ज्यादा है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही वो इस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि चीजें जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाएं और रिलेशनशिप जो है वो पहले जैसा हो जाए। तो ये इस समय की उनकी एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या वो आपको कॉल करेंगे। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। देख लेते हैं क्या आपके पर्सन आपको कॉल करेंगे। डिवाइन गाइड कीजिए, क्या लिब्रन के पर्सन उनको कॉल करेंगे। प्लीज एंजल गाइड कीजिए। आपके पर्सन टू ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में है, जैसा कि मैंने कहा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम होती जा रही है। टेन ऑफ पेंस है, पहले भी यही निकला, मैंने आपको कहा आपके पर्सन काफी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। फोर ऑफ कप की सिचुएशन में है लिब्रन। आप में से जो लोग सेपरेशन मोड में है, और पर्सन के क्वेश्चन ये था कि क्या आपके पर्सन आपको खुद से कॉल करेंगे, तो यहाँ पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। आपके पर्सन सिर्फ प्यार में नहीं अटके हुए हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं उनकी लाइफ में है, उन सबको वो टैकल कर रहे हैं। बाहर कैसे आए उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, और डेफिनेटली बहुत ही उदास है, दुखी है, आपको याद कर रहे हैं, और चीजों को सिचुएशन को बैलेंस करते हुए आपके पर्सन नजर आ रहे हैं। कोई भी परेशानी हो सकती है, हो सकता है पैसे का मामला हो सकता है कोई थर्ड पार्टी किसी और के साथ में स्टक हो, जो भी सिचुएशन है आपके पर्सन यहाँ पे आपको मिस जरूर कर रहे हैं, लेकिन हाँ अभी खुद से स्टेप लेने का जो है नजर नहीं आ रहा है मुझे। अक्सर पर्सनल रीडिंग में लोगों के क्वेश्चन होते हैं वापिस कब तक आएंगे, कब तक कॉल करेंगे, टाइम बता दीजिए। तो चलिए टाइम भी जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और कब तक कॉल या मैसेज या कब तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस लिब्रन के रिलेशनशिप में पार्टनर की तरफ से आएगा। चलिए तो मैजिशियन टावर, मैजिशियन और टावर दोनों एक साथ आए हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन के जो सारे पत्ते हैं ना, आपके पर्सन के ही हाथ में हैं। चीटिंग, जब स्टार्टिंग में चीटिंग आ गई है तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं भी रखनी चाहिए। आपका रिलेशनशिप जो है उसमें सडन ही एक बहुत बड़ा मेजर चेंज, ये तीनों मेजर अरकाना है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है अच्छे से समझ जाइए, आपका रिलेशनशिप जो है अचानक से उसमें एक सेपरेशन का मोड आया, अचानक से आपका रिलेशनशिप बदला, और ये सारी चीजें आपके पर्सन के हाथ में थी। थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, यानी कि अपने मतलब के लिए सारे पत्ते उन्हीं के हाथ में हैं, चाहे तो सही कर सकते हैं, कुछ ट्रिकी हो सकते हैं, करना भी चाहेंगे थोड़ा सा रुकेंगे। द टावर का कार्ड आया है, उस डिवाइन की तरफ से अचानक से आपका रिश्ता जो है बदला, टूटा, कुछ भी हो सकता है। आगे द वर्ल्ड का कार्ड आया है, आप एक साइकिल से निकल के एक साइकिल से दूसरे साइकिल में जा रहे हैं,
मैं इस चीज को पॉजिटिव कहूंगी। अगर आप बहुत जबरदस्त दुख में थे, सेपरेशन में थे, आप डेफिनेटली इससे बाहर जा रहे हैं। टाइम लिमिट मैं आपको कहूंगी कि ये 2024 आप मान के चलिए। इसमें कोई मैं पर्टिकुलर आपको टाइम नहीं बता सकती कि 10 या 12 दिन या इतना महीना, आप एक साल कम से कम इस चीज को लेकर चलिए कि आपके इस साल के एंड तक या ये पूरा साल आपका जाएगा, आपको आप इस साइकिल से बाहर जाएंगे, इस दुख से बाहर जाएंगे, इस तकलीफ से बाहर जाएंगे और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा और 101% आएगा। जब कोई चीज टूट जाती है फ्रेंड्स, तो जब आप उसको जोड़ते हैं ना, तो वो गांठ पड़ जाती है उसमें। सिचुएशन को समझिए, अगर पॉसिबिलिटी है तो उस रिश्ते में रहिए, और अगर बिल्कुल कोई रिलेशन वर्थ ही नहीं है, आपके लिए फायदा दे ही नहीं रहा, काम ही नहीं कर रहा, तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, ये कार्ड 95% पॉजिटिव होता है। और कार्ड और निकाल लेते हैं कि उस डिवाइन की क्या मर्जी है, वो ईश्वर आपके रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, क्या पॉजिटिव मोड हो सकता है। यस, एज ऑफ वॉन्ड्स है, नई शुरुआत होगी आपके रिलेशनशिप की, आपकी खुशियों की। हर तरह से आप जिस भी चीज में अटके हुए थे लिब्रन, एक नई शुरुआत की तरफ आप जा रहे हैं। आपने अपने पहले की जो समस्याएं थी, जो रिश्ते थे, जो परेशानियां थी, उनसे आपने बहुत कुछ सीखा है और वो सीखा हुआ आपके जरूर काम आएगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, एक नया रिश्ता आ रहा है, खुशियां आ रही हैं, तो आप उस दुख से तकलीफ से जरूर बाहर निकलेंगे और उससे निकलना भी चाहिए, क्योंकि जिंदगी जो है वो जीने का नाम है। खड़ा हुआ पानी जो है उसमें वो सड़ जाता है। आपने कभी झरना देखा है, उसका पानी कितना निर्मल, कितना साफ, कितना स्वच्छ होता है। तो अपने जीवन को उसी तरीके से बनाइए। सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, कुछ चीजें उस परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हुई हैं और वो अपने आप से किसी का बुरा नहीं करता है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो इसमें इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो चीज आपके काबिल नहीं है, आप दुखी हो जाएंगे। उस दुखों से ईश्वर आपको बचाता है। तो एक नई शुरुआत डेफिनेटली हो रही है। कुछ लोगों का क्वेश्चन देखिए यही होता है, रीयूनियन होगा, तो हाँ, आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 80% मैं कहूंगी कि आप एक न्यू एनर्जी में जा रहे हैं। तो लिब्रन, ये एक छोटी सी रीडिंग थी आपके लिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पर्सनल रीडिंग पेड है, आप व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।